भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे दुर्लभ मानव जन्म ससंगे तरह रे भव सिंधु रे। तो देवकी मैया यहां प्रार्थना कर रही है भगवान से कि हे प्रभु आप अपने भक्तों के भय को दूर करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी कमेंट्रीज में लिखते हैं कि इस श्लोक का इंटेंशन ये है, देव की माता ये बोलना चाहती हैं कि भगवान आप तो निर्भय हैं, यू आर फियरलेस एंड योर डिवोटीज आर फियरलेस, देन व्हाई आई एम फियरिंग। ये इसका मेन चीज है। विश्वनाथ ठाकुर बोलते कि इंटेंशन ये है इसके पीछे कि आप अभय हो, आपके भक्त अभय हैं, लेकिन मेरे को क्यों भय लग रहा है। तो संसार में भय जो है वो हर जीव को है, ब्रह्मा जी से लेकर निकले चीटी तक, जिसने भौतिक शरीर लिया है वो हर व्यक्ति भयभीत है, हर व्यक्ति भयभीत है। माता पिता भयभीत हैं बच्चों के लिए, पता नहीं पड़ेगा कि क्या नहीं करेगा, मूर्ख है आगे क्या होगा इसका, जाके पता नहीं इसकी शादी होगी नहीं होगी बाद में, आगे कुछ बनेगा नहीं बनेगा, हाँ उसका भय है। जो कंपनी जो है, जो एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वो भयभीत है कहीं कंपनी से निकाल ना दिया जाए मेरे को, कहीं कंपनी से मेरे को निकाल ना दिया जाए, अलग अलग तरह के भय हैं। भय भय क्यों होता है? भय का सिम्टम क्या है? इग्नोरेंस, अज्ञानता से जीव को भय होता है। जब वो अपने आप को यह मानता है कि मैं देहात्मक बुद्धि हूं, अपने आप को शरीर और मन से अपने आप को मानता है, ये बोलता है मैं शरीर हूं और मैं ये मन हूं, तो यह है इग्नोरेंस, यह है इग्नोरेंस। तो फियर भय जो कि पूरे संसार में जीवों को सता रखा है, वो कौन कौन डराती है? माया डराती है, माया डराती है जीव को। लेकिन यहां जो भय है वो अलग है, मटेरियल फियर इज आउट ऑफ इग्नोरेंस। जो भौतिक भय है वो किसके कारण होता है? मटेरियल चीजों के कारण, भौतिक भय। और स्पिरिचुअल जो है वो होता है कि कहीं मैं भगवान को भूल ना जाऊं, कहीं मैं भगवान को भूल ना जाऊं। तो फियर मतलब फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, फियर का मतलब है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, है फॉल्स है लेकिन लगता है क्या कि रियल है ये। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे को मैं कैसे खाऊंगा? अरे 84 लाख जोनियां खा रही हैं संसार में, नहीं दे रहे भगवान सबको, सबको देता है भगवान। बता रहे कि एक डार्क इग्नोरेंस, ये डार्क रूम वेयर नेगेटिव डेवलप्स, एक ऐसा भय, एक ऐसा कमरा है जहां हमेशा नेगेटिविटी बाहर आती है। व्यक्ति सोचता है अपने बारे में, संसार के बारे में, उसके बारे में, आप सुनो बात को, धारा 370 लग जाएगी तो क्या होगा, हटेगी तो क्या होगा, 35 हटेगा तो क्या होगा, कश्मीर का क्या होगा, हमारा क्या होगा, ऐसे सोचते व्यक्ति मर जाता है। और अपने बारे व्यक्ति सोचता नहीं कि मेरा क्या होगा। तो भय जो व्यक्ति ग्रीडी होता है उसको अपने पैसे खोने का भय होता है, जो व्यक्ति पावरफुल होता है उसको अपनी पावर खोने का भय होता है, जो व्यक्ति सुंदर होता है उसको बुढ़ापे का भय होता है कि बूढ़ा हो जाऊंगा अभी भोग विलास नहीं कर पाऊंगा। हाँ, और प्रैक्टिकली एवरीवन इज इन दिस वर्ल्ड फियर अबाउट डेथ, मृत्यु से सबको भय होता है, कोई व्यक्ति नहीं जो मृत्यु से नहीं डरता है।
तो भय जो है वो एक मटेरियल नेचर का एक टूल है माया का, जो जीव को भयभीत रखता है। आज के मैं फियर की बात कर रही थी यहाँ, है ना, घोरात अत्यंत क्रूर, वो बोल नहीं रही है कुछ, सीधा कंस का नाम नहीं ले रही है, बोल रही है उग्रसेन आत्मजात, उसको डर लग रहा है कंस से, इनडायरेक्टली बोल रही है, है ना, लाइक दैट। सो मटेरियल फियर फॉरगेटफुल ऑफ कृष्णा, स्पिरिचुअल फियर गिव्स रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा, ऐसा ही नहीं बोलते हैं कि जो भौतिक फियर है वो भगवान को भुला देता है, और आध्यात्मिक जो भय है वो भगवान को याद दिलवाता है, भगवान की याद दिलवाता है। तो स्पिरिचुअल भय क्या है, तो यहां देवकी जो भय कर रही हैं वो ये नहीं है जो हमें बताया हूं, उसका वात्सल्य प्रेम है भगवान के साथ में, उससे भयभीत है कि कहीं कंस जो है उसको मार ना दे। अभी इतने पहले मेरे सारे 6-7 बच्चों को मार चुका है ये, अभी लगता है ये भी मार देगा, इसको भी मार देगा। व्यवचारी भाव बोलते हैं, व्यवचारी भाव बोलते हैं, तो उसके कारण उसको भय है कि कृष्ण कहीं खो ना, यशोदा मैया को भय रहता है, गोपियों को भय रहता है कि कृष्ण कहीं हमको छोड़ के चले ना जाए, ये भय, इसको स्पिरिचुअल भय। श्रीमद् भागवत में भी इसको वर्णन किया गया है, पहले स्कंद के पहले अध्याय का 14वां श्लोक, आपनन संस्कृतिम घोरम यद्नाम विष्णुमो गृणम तथा साधयो विमुचेत यद्भिभीति स्वयं भया। तो भगवान बोलते हैं, द लिविंग बीइंग हु आर एंटैंगल्ड इन अ कॉम्प्लिकेटेड मेस ऑफ बर्थ एंड डेथ कैन बी फ्री इमीडिएटली by even unconsciously chanting the holy name of the Lord, which is feared by fear personified. So, भय भी भगवान से भयभीत होता है, भय भी भगवान से भयभीत होता है, उन्हें डरता है उससे। इस प्रकार बहुत सारे श्लोक हैं, आप देख पढ़ सकते हो उसमें, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में भी यही बोला है भगवान ने, है ना। श्रील प्रभुपाद भी भयभीत होते थे, स्पिरिचुअल भय इसको बोलते हैं, भगवान के सामने प्रार्थना करते थे, क्या प्रार्थना करते थे कि मैं कहीं कृष्ण को भूल ना जाऊं, है नहीं, कृष्ण को भूल ना जाऊं। भक्तों का भी ये भय रहना चाहिए, नहीं हमारा कभी उल्टा भय हो जाता है, पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं, आगे इस कौन में क्या होगा, मेरा फ्यूचर में क्या होगा, अगर मैं चला गया तो कौन देखेगा, मेरे को बूढ़ा हो गया तो कौन देखेगा। एक बार ब्रह्मचर्य से बात कर रहा था, तो मैं बोला, मैं बोला प्रभु जी मैं बहुत दुखी हूँ, बोला क्या, मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं क्या करना था आपको, प्रभु जी बताओ, अभी तो 6-7 साल हो, कुछ प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट बनना चाहिए था, कुछ वाइस प्रेजिडेंट बनना चाहिए था, अभी कुछ हुआ नहीं है, मतलब क्या हुआ, जब सब अपनी उपलब्धियां छू रहे हैं, कोई वहां प्रचार इतना कर रहा है, कोई वहां उधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ प्रभु जी, मैं कोई डिप्रेशन में जा रहा हूँ। मैं बोला तुमको आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल सेमिनार करना चाहिए, उसको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस बहुत बड़ी सक्सेस है, उसका भय है कि नहीं। तो ये मटेरियल है, नथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअल। दिन बाय दिन बाय दिन बाय दिन भक्तों को जब भक्ति करता है तो भगवान के ऊपर और निर्भर हो जाता है, अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्वास पालन, तो भगवान के ऊपर निर्भर, भगवान जो ही मेरे लिए करेंगे वो सही करेंगे, भगवान मेरे लिए सही करेंगे। हाँ, लेट मी नॉट ऑफेंड द डिवोटी, दैट शुड बी ग्रेटेस्ट फियर, भक्ति के लिए होना चाहिए कि भक्तों को क्या करने का है, भक्तों के साथ अपराध ना हो जाए कहीं, ये भी बहुत हेल्दी फियर है। गोपाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी को लेटर लिखते थे बार बार कि कहीं मैं ऐसे गलती ना हो जाए, मैं कई भक्तों को तो ना मैं कुछ गलत ना कर दूं, प्रभुपाद बोले दिस इज वेरी गुड फियर, फियर होना चाहिए, स्पिरिचुअल फियर इसको बोलते हैं, है ना। बट आप देखिए यहां कंसीव भयभीत है, उसको रात को नींद नहीं आ रही थी, तो दोनों के देवकी के भय में और कृष्ण के भय में दोनों बहुत अंतर है। कंस का जो भय हो मटेरियल है, उसको लगता है कहीं मेरी पावर चले, पोस्ट चले गए, मेरे को मार देगा ये,
और देवकी का भय ये है कि ये कृष्ण को ना मार दे कहीं, तो कृष्ण मेरा बेटा है, प्रार्थना करती हूँ भगवान से, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से हमारी स्थिति यह है, वो भयभीत ही है हम लोग अभी संसार में। तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं यहाँ कि हे ट्रांसलेशन में कि आप अपने भक्तों को भय को दूर करने वाले हैं, अतएव आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप कंस के विकराल भय से हमें बचाइए। तो दिस प्रेयर्स कर सकते हैं भगवान को हम जब डिफिकल्ट टाइम में होते हैं, हमारा जो भक्ति में कभी कभी होता है, हर डिवोटी के जीवन में आता है भक्ति तीनों गुणों से, कभी सतोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में। तो शुड ऑलवेज प्रे टू द कृष्णा, है ना, कि जो है उसे मैं भयभीत इस भय से ऊपर जा सकूं। श्री प्रभुपाद जी प्रचार किए, पूरा फियरलेसली प्रचार किए, फियरलेसली प्रचार किए, इतने सेंटर खोलते रहे, जगह जगह घूमते रहे, फियरलेसली टीचिंग किया पूरे विश्व में। उनके गुरु महाराज का ऑर्डर था। तो प्रभुपाद जी जब भगवान की सेवा की बात हो तब डरते नहीं थे, बोल्ड हो जाते थे, जुहू टेम्पल के लिए बोल्ड हो गए। लास्ट में क्लास में बता रहे थे कि प्रभुपाद जी शिकागो में पहुंचे 1975 में। तो वहां जब पहुंचे तो वहां प्रभुपाद ने प्लेन में ही पढ़ लिया, एक पेपर न्यूज पेपर वहां का पढ़ लिया, उस पर टाइटल सबसे बोल्ड टाइटल था कि क्राइम व्हाई एंड व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए इसके, क्राइम क्यों हो रहा है, उसके लिए क्या किया जाए। तो प्रभुपाद जब नीचे आए उसे तो बहुत सारे रिपोर्टर माइक लेके आगे डिवोटी कीर्तन कर रहे थे। तो पूछे स्वामी जी आप शिकागो में क्यों आए हैं, तो प्रभुपाद जी न्यूज पेपर निकालते हैं, बोला इसका आंसर देने के लिए, क्राइम व्हाई एंड व्हाट टू डू। तो बोले कि स्वामी जी क्या लगता है, बोला क्राइम मतलब पाप, प्रभुपाद जी बोले पाप, तो पूरे आपके अमेरिकन सिटीज में लोग पाप करते हैं, सीधा बोलते हैं। इसका सोल्यूशन यही है कि जब पाप क्यों करता है व्यक्ति, अंधकार के कारण, उसके उसको स्पिरिचुअल ज्ञान नॉलेज नहीं है, उसके हृदय के अंदर बहुत सारी अज्ञानता है। जब वो हरिनाम संकीर्तन करेंगे, जब वो भागवत पढ़ेंगे, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो आपका क्राइम खत्म हो जाएगा डायरेक्ट। कभी कभी हम जाते हैं तो बोलने में डरते हैं, बाहर प्रॉपर जो बोलते थे हरिनाम संकीर्तन शुरू करो, हरिनाम संकीर्तन शुरू करो, दिस इज अ फियरलेसली प्रीचिंग। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म ससंगे तरह रे भव सिंधु रे।